बंधुआ मजदूरों के समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु प्रदेश के अपर गृह सचिव अवनीश अवस्थी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक किया तथा बंधुआ मजदूरों को समस्याओं के समाधान के साथ उन्हें शासन की योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। गोरखपुर NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ADM City राकेश कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। Of honest free labor with due respect to their rights will be realized. Now I request you all. Thank you all. Thank you, sir, for your opening remarks, and I think you've set the entire discussion into context. So we'll begin with your permission. In these districts, the Commerce Fund has not been utilized, whereas there is ample scope and there are ample cases of bondage. As per the estate, this is the responsibility of the estate to provide the terms of estate of Uttar Pradesh. And in the list you are showing the zero remaining, that means these districts are already distributed to these standards and they are waiting for the reimbursement from the Government of India. So our request is pending, and we have expended rupees 5 crore 70 lakh. Initially, state government has given 10 lakh rupees for district all the certified districts. Okay, would the district magistrate? जहाँ उनका बंदरवास होता है, कि हमारे पास नाशिक नहीं है, और आप अपने पास नाशिक के लिए बंदरवास कर दीजिए, क्योंकि ये ठेसर ₹10 लाख जिसमें से हमने 22 श्रमिकों को लाभान्वित किया है और 4,40,000 रुपए वितरित किए चुके हैं सर। वितरण के लिए मात्र एक क्वांटिटेबल केवल सर जो है अपेक्षित है, इनका वितरण किया जाना है, वो भी सब कल रिलीज हुए हैं और हम इसको कल तक इसका वितरण पूरा करा देंगे सर। आपने गाजियाबाद में रिहैबिलिटेशन स्कीम्स क्या लागू की हैं, कुछ बताएंगे उस पर प्रकार करना चाहेंगे? जितने हमारे वर्कर्स का प्रॉपर रिलीज हो रहे हैं सर, उनको सर सीडियो साहब के माध्यम से जो भी हमारी सर हाउसिंग की स्कीम्स है सर और सारी स्कीम्स में सर उनको हम लोग सर आच्छादित करने का प्रयास कर रहे हैं सर। जब ये बताओ